we are here today with our new topic of context of organization the context of iso 9001 2015 okay as agar aapko pata hai ki annex sl ek ek standard hai jo batata hai ki how to make a standard or how to write a document as standard usme क्योंकि बताया गया है कि तमाम के तमाम standard एक जैसे structure को follow करेंगे जिसमें 10 क्लास होंगे तो उसमें से एक क्लास for context of organization एक ऐसा भी है जो तमाम आई एस स्टैंडर्ड के लिए इस्तेमाल होता है बट आज जो हम कॉन्टेक्सट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे फॉर द कॉन्टेस्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आई एस क्लॉज है जिसमें वो कहता है कि अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इस कॉन्टेक्स्ट यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो चाहे एस हो चाहे वो प्रोडक्शन हो कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या ट्रेडिंग कंपनी हो एनी टाइप ऑफ वो अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को आइडेंटिफाई करेगी अब ये इंटरनल इश्यूज और एक्सटर्नल इश्यूज क्या होते हैं तो सिंपली वो चीज़ जो आपके कंट्रोल में है वो इंटरनल इश्यूज हैं वो चीज़ या वो इश्यूज जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो एक्सटर्नल इश्यूज हैं फॉर एग्जांपल इसको यूं समझते हैं कि इंटरनल कॉन्टेक्स्ट वो कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें आपके पास वो तमाम फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में है लेट सपोज ह्यूमन फैक्टर्स ऑपरेशनल फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ गवर्नेंस ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के तमाम इश्यूज तमाम मामल जो भी मैटर्स हैं चाहे वो फाइनेंशियल हों टेक्निकल हों परफॉर्मेंस फैक्टर्स हों रिट्रिक्शन आ रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है वगैरह वगैरह ये तमाम के तमाम ये चीज़ें इंटरनल इश्यूज में आती हैं इन कंट्रास्ट एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट कुछ डिफरेंट होता है जिसमें इकनॉमिक फैक्टर्स आते हैं सोशल फैक्टर्स आते हैं और पॉलिटिकल फैक्टर्स आते हैं या टेक्नोलॉजिकल मार्केट एंड कंपटीशन के फैक्टर्स uh, आते हैं इंस्टीट्यूटरी और रेगोलेट्री जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो आते हैं और ये तमाम के तमाम आप देखें ये सारे के सारे आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लेट सपोज़ अगर कोई इकनोमिक फैक्टर आता है कोई इकोनॉमिक चेंज आता है लेट सपोज़ आजकल कल पैंडमिक चल रहा है लॉकडाउन uh, चल रहा है तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को कोंटूटरी रिक्वायरमेंट वहाँ एक्टिवेट होकर कहती है आपका स्टेट आपको कहता है कि आपको अपनी फैक्ट्री बंद रखनी है एक महीने के लिए तो यू हैव टू गो फॉर इट आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते तो ये आपका एक्सटर्नल इशू है क्योंकि आपके कंट्रोल से बाहर है बट फिर भी आई सो कहता है आपने इसको अपने रिस्क असेसमेंट में डालना है और इसके अगेंस्ट एक रेमेडी एक मिटिगेशन एक ट्रीटमेंट प्लान जो है वो मैप करना है और आपको बताना है कि हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकें लेट सपोज आजकल हम एक अच्छा इसमें अल्टरनेट निकालते हैं या तो हम स्मार्ट लॉकडाउन पे चले जाएं या फिर हम ऑनलाइन पे चले जाएं तो आप इस चीज़ का भी प्रॉब्लम सॉल्व निकाल सकते हो ओके कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए बहुत सारे तरीकेकार हो सकते हैं स्पेशली फॉर आई सौ नाइन कुछ मैटर्स मैं आपको बताऊंगा कुछ तरीकेकार में आपको बताऊंगा एक टर्मिनोलॉजी यूज कहती है स्वैट स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट इसको भी आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज हैं वो इंटरनल इशूज होते हैं जो वीकनेस और थ्रेट होते हैं ये एक्सटर्नल इशूज़ होते हैं आप इसको भी देख सकते हैं यहाँ से भी आप अपनी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं अपनी वीकनेस निकाल सकते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं और उनके ऊपर आप अपनी स्टडी कर सकते हैं कि हम वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे बदलें और थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलें पेस्टल एक एनालिसिस होती है जिसमें पॉलिटिकल इकनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल एंड एनवर्मेंटल एस्पेक्ट्स को देखा जाता है जो डिटमिन किए जाते हैं आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हुए यानी ये वो इश्यूज होते हैं पेस्टल वो एक ऐसी एनालिसिस है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस पर ऑपरेशन पर इन्फ्लुएंस करती है आपने वहाँ से भी इवन यू कैन स्टडी बहुत सारी चीज़ें आप स्टडी कर सकते हैं गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं कि पेस्टल के ज़रिए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे जो है फ़िट रखें बट अगर देखा जाए तो स्वैट फिफ्टी परसेंट इंटरनल इन्वामेंट पर काम करता है जिसमें इंटरनल इशूज़ होते हैं और फिफ्टी परसेंट एक्सटर्नल होते हैं बट पेस्टल इज हंड्रेड परसेंट फोकस ऑन एक्सटर्नल ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल लीगल एंड एनवाटल ये तमाम के तमाम एक्सटर्नल इन्वामेंट को सपोर्ट करते हैं जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है ओके okay, ये भी आप देख सकते हैं कि इन तमाम चीजों को अगर वीडियो आप पॉज करके भी देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट डिटेल में यहां पर बहुत सारी चीजें आपको बताई हुई हैं कि कैसे पॉलिसी क्रिएट की जाएगी ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे और स्वाइट के क्या की इश्यूज होते हैं स्वाट कैसे करते हैं और इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज को हम कैसे रिस्क असेसमेंट के अंदर इंडोज कर सकते हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर पॉइंट टू अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज ये जो इंटरेस्टेड पार्टी है ये जो क्लास फोर आज हम टोटल डील कर रहे हैं इसमें हमें यह देखना होता है कि कोई भी आपका जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो इंटरेस्टेड पार्टी आपका पार्टनर हो, हो सकता है आपका एम्प्लॉ हो सकता है आपका सप्लायर हो सकता है लीगल बॉडीज टेक्शन अथॉरिटीज नेबर्स हो सकते हैं विसिनिटी हो सकती है आपका कंसल्टेंट हो सकता है आपकी सर्टिश बॉडी हो सकती है और आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है इनको आपने कैसे डील करना है यानी आई एस कहता है आपने उनकी नीड एंड एक्सपेक्टेशन को अंडरस्टैंड करना है इसके साथ साथ मैं ये बता दे चलू इन केस ऑफ एनी ट्रेवल रिगार्डिंग क्योंकि ये तमाम की तमाम चीज़ें एक एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है कि इनको आपने डॉक्यूमेंट कैसे करना है तो ग्लोबल स्टैंडर्ड इज हेयर फॉर यू हम आपकी मदद के लिए एट अ टाइम यहाँ पर मौजूद हैं आप हमें डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे काफ़ी लिंक्स हमने दिए हुए हैं कुछ फॉर्मेट्स में हमने आपको इंट्रोड्यूस किए हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बट वॉज जस्ट फॉर योर डेमो ओके बट आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको अगर इस तरह से कोई चीज़ चाहिए कोई ऐसा डॉमेंट चाहिए यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क हम आपको बता सकते हैं कि इन चीजों की कैसे डॉक्यूमेंटेशन की जाती है और इसकी अप्रोच टू द वाइज कैसे होती है ताकि आपका ऑडिट भी हो सके और इसके अलावा अगर आप ऑडिट में नहीं भी जा रहे तो भी आपको आई एस नाइन थाउजेंड वन की रिक्वायरमेंट आनी चाहिए इंटरेस्टेड पार्टीज को और क्लासीफाई करते हैं इन्वेस्टर्स प्रेशर ग्रुप्स नेबर्स

और आपका फिजिकल एंड नॉन फिजिकल बाउंड्रीज और इसके अलावा स्कोप वर्किंग विद यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर मल्टी साइड पे वो काम कर रही है तो वो उसको कैसे अपने स्कोप में लाएगी और अगर किसी कंपनी की जिस स्कोप को उसने आईएसओ सर्टिफाइड करवाना है जिस बाउंड्री को उसने आईएसओ सर्टिफाइड कराना है अगर वहाँ पर वो एक से ज़्यादा साइट होने के बावजूद भी सिर्फ एक साइट को आईएसओ करवाना चाह रहे हैं तो वो कैसे अपने सिस्टम को डॉक्यूमेंट करेगा इसके लिए मैं आपसे फिर कहूँगा अगर तो इस तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन इफ यू नीड यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क फ्रॉम अस ओके द नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप फिर जब ऐड करते हैं कि हम हमें, हमें एक ही साइड पे जाना है और किसी एक ऑपरेशन को लेकर चलना है या दो ऑपरेशन को तो वो आपका स्कोप होगा वो आपकी वर्किंग बैंडविट होगी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर वो फोकस करेगी और आप उस स्कोप को भी डॉक्यूमेंट करेंगे आप अपनी बाउंड्री भी अपने स्कोप का हिस्सा बनाएंगे और आपने अपने प्रोसीजर में कहीं ना कहीं या मैनुअल में या रिकॉर्ड में आपने ये चीज़ को मेंशन करना है कि हमारी लिमिट्स क्या है ये कभी भी कोई चीज़ वेग नहीं रखनी क्योंकि अगर आप ऑडिट पे जा रहे हैं तो उस वक्त आपको ये चीज़ प्रॉब्लम हो जाएगी बट चूंकि आप ऑडिट को फोकस मत कीजिए आप अपने सिस्टम को डेवलप कीजिए ताकि कोई भी चीज़ वेग ना रहे और टू द पॉइंट कॉन्क्रीट रहे लास्ट क्लाउज इज सब क्लाउज वन ऑफ सब क्लाउज ऑफ़ दिस मेन clause ऑफ context ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसेस अब यहाँ पर सिंपल वो ये बात क्या कहने चाह रहे हैं कि जितने भी आई एस ओ के स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं जब तक वो फुलफ़िल नहीं होगी ये क्लाज़ की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो सकती तो ये क्लाज अब एंड में अगर हम देखें तो ये ऑडिट में आता है और इसके आप रिक्वायरमेंट्स को वन बाय वन पढ़ेंगे इनपुट रिक्वायरमेंट से लेकर इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ क्यू एम एस तक तब आपको पता चलेगा ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन आई के वन से लेकर टेन तक के तमाम क्लाज को सक्सेसफुल एडोप करें इम्प्लीमेंट करें प्लान करें इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद वो सक्सेसफुल आई एस सर्टिफिकेशन पर जाए तो ही पता चलेगा क्या वो इस 4.4 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस के क्लास को मीट करती है या नहीं करती है। करती है तो बैलेंस गुड अगर नहीं करती तो आपको अपने क्राइटेरियाज और मेथड्स को चेंज करने की ज़रूरत है अपने लेसन लर्न करने की जरूरत है, है। जैसा कि कि हमने 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 एक एक वीडियो हमने की थी cycle, उसमें हमने बताया था लेसन लर्न क्या होता लेटेस्ट वि so